दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर शादी से पहले महिला और पुरुष दोनों के प्राइवेट पार्ट्स यानी कि गुप्तांगों की लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है, जिससे पता चलता है कि वे दोनों शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। जी हां दोस्तों, इस देश में लड़के या लड़की की बालिक या नाबालिक होने का अंदाजा उनकी उम्र से नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की लंबाई और चौड़ाई को जानकर लगाया जाता है। दोस्तों, आज हम हमारे पड़ोसी देश चीन के बारे में आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चीन की आबादी पूरी दुनिया में नंबर एक पर है। चाइना विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है। सन 2019 के एक सर्वे के मुताबिक चाइना में कुल 140 करोड़ लोग रहते हैं। चीन की थल सेना दुनिया में सबसे बड़ी थल सेना है। चीन पूरी दुनिया में डिफेंस पर पैसा खर्च करने में दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है। चीन में 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक दिन में केवल $1 यानी कि 70 रुपए से भी कम कमाते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्ट करने पर दूसरे नंबर पर आता है। चीन में सबसे ज्यादा मौत की सजा दी जाती है। पूरी दुनिया में मिलाकर जितनी मौत की सजा दी जाती है उससे 4 गुना ज्यादा केवल चाइना में मौत की सजा दी जाती है। चीन में तकरीबन 45 मिलियन लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। करीबन 700 मिलियन लोग चीन में गंदा पानी पीते हैं। सैन फ्रांसिस्को का एक तिहाई एयर पोल्यूशन चाइना की वजह से होता है। करीबन 78% सॉफ्टवेयर चाइना में जो इंस्टॉल किए जाते हैं वह पायरेटेड होते हैं। हर 30 सेकंड में एक बच्चा चीन में जन्म दोष के साथ पैदा होता है। 3 में से हर 1 सॉक्स जो आप पहनते हैं वह चाइना में बनाई जाती है। दोस्तों, चीन में शादी से पहले महिला और पुरुष दोनों के प्राइवेट पार्ट्स यानी कि गुप्तांगों की लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है, जिससे पता चल जाता है कि वे दोनों शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। जी हां दोस्तों, इस देश में लड़के या लड़की के बालिक या नाबालिक होने का अंदाजा उनकी उम्र से नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की लंबाई और चौड़ाई को जानकर लगाया जाता है। दुनिया के कई देशों की तरह चीन में भी महिलाओं के साथ हिंसा गंभीर समस्या है। हालांकि हिंसा के यहाँ पर कई रूप हैं। इन्हीं में से एक तरीका है शादी के दौरान दुल्हन या दुल्हन की हम उम्र लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए लोकगीत गाना। इस छेड़छाड़ को बाकायदा एक परंपरा का रूप दिया गया है। नावहन नाम की इस रस्म में दुल्हन को लेकर अजीबोगरीब गाने गाए जाते हैं और उसे जबरदस्ती शराब पिलाने जैसी बातें शामिल हैं। चीन में महिलाओं के साथ यौन हिंसा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां 40% शादीशुदा या रिश्ते में आ चुकी महिलाएं यौन हिंसा और मारपीट का शिकार होती हैं। ये बात और है कि यहां महिलाओं के साथ यौन हिंसा के तरीके अलग भी हो जाते हैं। शादी के दौरान होने वाली नावहन रस्म को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें गीतों के जरिए दुल्हन से मजाक किया जाता है। शादी में शामिल मेहमान लोक गीतों तक ही बस नहीं करते बल्कि आगे भी चले जाते हैं। जैसे कि आजकल मेहमान दूल्हा और दुल्हन को सेक्सुअल गेम तक खेलने को बाध्य करते हैं। अगर कोई राजी न हो तो उसका सबके सामने मजाक बनाया जाता है। ऐसे में शादी का माहौल खराब न करने के लिए लोग खेलने को राजी हो जाते हैं। इस दौरान आपस में भद्दी बातें की जाती हैं जिसे मेहमान देखते हैं। शादी के दौरान होने वाली छेड़छाड़ कई बार इस हद तक बढ़ जाती है कि नव विवाहित जोड़े साथ होने से पहले ही अलग हो जाते हैं। दोस्तों, चीन में हर साल लाखों की संख्या में लड़कियां अबॉर्शन करवाती हैं क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है। चीन का नेशनल स्पोर्ट टेबल टेनिस है। चीन में करीब 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें शादी करने के लिए बीवी नहीं मिलती। लेकिन 1973 में चाइना ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें चाइना करीबन 10 लाख चाइनीज वुमेन्स अमेरिका को देने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिका की पॉपुलेशन बढ़ सके। चाइना में जो कंपनियां फ्रॉड करती हैं वहां उन्हें सीधा सजाए मौत दी जाती है। पूरी दुनिया के 50% सुअर केवल चाइना में हैं। पूरी दुनिया में जितने भी पांडा हैं वह सारे के सारे चाइना के हैं। अगर आपको चाइना देश के अलावा कहीं और कोई पांडा दिखता है तो समझ लीजिए कि यह पांडा चाइना से लीज पर लिया गया है। सन 2014 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया था। उसने US को पीछे छोड़ दिया था। चीन की महान दीवार के निर्माण में अनुमानित 4 लाख लोग मारे गए थे। दोस्तों, चीन में जिन महिलाओं की उम्र 20 के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है और वे अविवाहित रहती हैं,
तो उनके लिए एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द है शेंग नू, इसका मतलब है छूट चुकी महिलाएं। चीन में सिंगल रहने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के मकसद से शादियों को बंधन समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं पर शादी का दबाव कायम है। चीन में घटती जनसंख्या दर भी इस दबाव की एक वजह है। वहाँ की सरकार चाहती है कि लोग शादियाँ करें और बच्चे पैदा करें। तो दोस्तों, चीन देश के इन रीति रिवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।